जय श्री कृष्णा। तीन प्रकार के स्नान संसार में वेद शास्त्रों में बताए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि आप कौन सा स्नान करते हैं? तीन प्रकार के स्नान कहे गए हैं, ऋषि स्नान, मानव स्नान, राक्षस स्नान। आप किस प्रकार का स्नान करते हैं? शास्त्रों में कहा गया है, जिस समय पर आकाश मंडल में तारे दिखाई दे रहे हैं, जैसे 3:30 बजे का समय है, 3:30 से 4 बजे का समय है, आकाश मंडल में तारे दिखाई दे रहे हैं, उसे ऋषि स्नान कहा जाता है। उसके बाद में सूर्य उदय हुआ नहीं है और तारा मंडल भी दिखाई नहीं दे रहे, 4 से सूर्य उदय तक का समय जो होता है वो मानव स्नान कहा जाता है। और सूर्य उदय के बाद में जो स्नान किया जाता है उसे राक्षसी स्नान कहा जाता है। सूर्य उदय के समय पर अगर आप निरोग हैं, बालक, बुजुर्ग और बीमार को छोड़कर के नियमों का पालन करना चाहिए कि सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। सूर्य उदय के समय पर आप अखबार लेकर के मत बैठिए, अखबार बैठ ले बैठ के चाय पी रहे हैं या उस समय दातुन कर रहे हैं, उस समय तो आपको सूर्य नारायण का स्वागत करना है। हाँ, अगर आपने पहले स्नान करके पूजा पाठ नियम कर लिए तो आप बैठ के अखबार पढ़ो चाय पियो, कोई दोष नहीं है। पर ये नहीं, जगते ही आप, कई लोगों को आदत होती है जगते ही सबसे पहले चाय पीते। आप प्रभु का ध्यान कीजिए, सूर्य उदय से पहले जागने की कोशिश कीजिए। तीन प्रकार के स्नानों में आप कौन सा स्नान करना चाहते हैं ये आप स्वयं जान सकते हैं। राधे राधे।